टेमेसिक्सिस की क्यूरी क्लास में हम बात कर रहे हैं क्यूरी विजार्ड के अंदर दो क्यूरी जो कि है डुप्लीकेट एंड आपका जो अगला आता है वो आता है फाइल अनमैच क्यूरी। सबसे पहले हम डुप्लीकेट क्यूरी के बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास एक डेटा है जिसमें नेम वगैरह आप देख रहे दिया हुआ है, तो हमने फाइन डुप्लीकेट क्यूरी के ऊपर गया और हमने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट किया नेक्स्ट। अब इसमें पूछ रहा है डुप्लीकेट वैल्यू फील्ड, आपको कौन सा लगता है कि किस फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू है? तो मैंने लगा कि मैं नेम डुप्लीकेट हो सकता है, फिर नेक्स्ट किया। अब पूछ रहा है कि आपको डेटा क्या क्या चाहिए, तो हमने आईडी वाईडी सारा पूरा ले लिया डेटा नेक्स्ट एंड यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ 00 आया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेटा में मेरा कोई भी डुप्लीकेट नेम नहीं। अब हम क्या करते हैं, कुछ डुप्लीकेट नेम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है? कुछ जैसे कि मान लीजिए पूजा, मोहन एंड कुणाल, तीन नाम मैं यहाँ पे डालता हूँ, राइट? और उसके डेटा यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तीन नाम मैंने एक ही बार डाला हुआ है, दो बार नहीं डाला हुआ है। फिर इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको सेलेक्ट करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया तो आ गया। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, देखिए कि यहाँ पे कुणाल, मोहन एंड पूजा तीन नाम आ गया और दोनों दो दो बार क्लियर है, क्लियर सर, दोनों दो दो आए। तो इससे क्या हुआ, आप डुप्लीकेट से जानते हैं कि आपको निकाल के दे देगा कि कौन सा नंबर डुप्लीकेट है, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो इसके लिए मुझे डेटा फाइल देता हूँ मैं, यहाँ पे डेटा, अब मैं एक नया डेटा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना इसको ले रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हमने इसको कॉपी करता हूँ या पेस्ट करता हूँ, ठीक है? अब इस डेटा को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद हम एक्सेस पे आते हैं, एक नया क्रिएट टेबल करते हैं और उस पे हम पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया हमने और इसको मैं सेव करता हूँ D2। अब मेरे पास D2 के ऊपर बनाना है सेल मुझे, तो क्रिएट में आता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ क्यूरी विजार्ड और यहाँ पे फाइन डुप्लीकेट्स वैल्यू विजार्ड पे क्लिक करके ओके करता हूँ। टेबल दूसरा है हमने लिया, नेक्स्ट। इस बार मुझे डुप्लीकेट देखना है नेम में और एरिया में, मतलब पूजा दो बार है लेकिन दोनों बार में एरिया अलग अलग है, तो डुप्लीकेट नहीं माना जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अब देखिए आपका ये क्या करता है। उसके बाद मुझे डेटा क्या क्या चाहिए, तो मुझे डेट चाहिए, सिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, एमआरपी चाहिए, आईडी भी चाहिए, नेक्स्ट एंड फिनिश कर। यहाँ पे देखिए कविता साउथ, मनोज बेस्ट, मोहन बेस्ट। तो आप देख रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मनोज जो है दो बार है लेकिन दोनों अलग अलग एरिया में है, एक ही एरिया है ना सर? हाँ, एक ही एरिया। इसने जब काउंट, इसने जब डुप्लीकेट सर्च किया तो उसने क्या किया, वो पहले नेम को पकड़ा, पेन आपका एरिया को पकड़ा, नेम और एरिया दोनों सेम रिपीट हो रहे हैं तभी वो डुप्लीकेट माना और उसको लिस्ट में रखा। अगर मान लीजिए कि मनोज बेस्ट में भी है या मनोज ईस्ट में भी है तो मनोज को नहीं लेगा, क्योंकि मनोज तो रिपीट है बट ईस्ट और बेस्ट दो अलग अलग एरिया। तो आपको इससे समझ में आ गया? हाँ, समझ में आया सर। तो इससे ये समझ में आया आपको कि दो अलग अलग डेटा के ऊपर ऊपर दो अलग अलग कॉलम्स को भी यूज कर सकते हैं।
समझे? तीन कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, जितना कॉलम वो डबल दिखा है। जी हाँ जी। अब जैसे कि हम बात करते हैं, मेरे पास एक और टेबल हम यहाँ क्रिएट करते हैं, और इस टेबल में हमने अपना ये वाला डेटा जो दिख रहा है आपको ना सर, इसी डेटा को पेस्ट करते हैं, सेम इस डेटा को दो टेबल में डाल देते हैं, दो टेबल में डाल दिया। अब इसमें हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ क्रिएट में आते हैं, क्यूरी विचार, फिर इसे फिर पेस्ट करना होगा, हाँ फिर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करके हम इसको सेव कर देते हैं D3 के नाम से, D3 एंड ओके। अब D3 को हम ओपन करते हैं, तो D3 में नाम दिख रहा है हमारा डेटा है, और यहाँ हमारा D1 में भी डेटा है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि D1 का कौन सा डेटा D3 में एग्जिस्ट नहीं करता है, समझे? तो हमने फाइन अनमैच क्यूरी पे गया, और हमें यहाँ पे डेटा वन को पहले पिक करना है, मैच मैच कहाँ करना है, डेटा थ्री के साथ, तो डेटा थ्री को सेलेक्ट किया। अब कौन कौन से मैच करना है, हमने बोला नेम और नेम को मैच करना है, ठीक है, नेम और नेम को मैच करना है, फिर नेक्स्ट, और डेटा आपको चाहिए क्या, तो सारा चाहिए, नेक्स्ट एंड फिनिश। अभी देखिए कुछ नहीं आया, नहीं आया ना सर, क्योंकि दोनों अभी सेम है। अब हम D3 में एक नई एंट्री कर देते हैं, जैसे मैं यहां पे कर देता हूं हेमंत, हेमंत का नाम दे दिया और उसके नंबर्स हम यहां पे दे देते हैं। अब जब इसको बंद करके जब अपना ये अनमैच जो है आपका D1 विदाउट मैचिंग D3 वाला जो नाम आ रहा है उसको रन करता हूँ, सॉरी इसने D1 विदाउट D3 तो अच्छा हमने D3 में एंट्री की है, माफ कीजिएगा हमें D1 में करना है, D1 को D3 से कर रहा है ना, यहाँ पे हम कर देते जैक मा। तो यहाँ एक चीज जान लीजिए कि जो मैंने कि जो जिसको जिसने मैच करा वही होगा, ऐसा नहीं कि दोनों से मैच करके अनमैच निकाल देगा, जी नहीं, ठीक है ना, फर्स्ट को सेकंड से करेगा, सेकंड में ज्यादा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे जय कुमार, क्योंकि जय कुमार D3 में नहीं है, जय कुमार कहाँ नहीं है, D3 में नहीं है, D3 हाँ। अब इसी के डिजाइन पे व्यू में जाते हैं, तो ये आपको दिख रहा है ना सर, तो रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पूरा, तो ये डिजाइन जो पार्ट है ये हम आपको कल से कराना शुरू करेंगे। आज जो है आप ये अनमैच्ड और क्या बोलते हैं डुप्लीकेट्स वाले क्यूरी पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कल से हम डिजाइन क्यूरी समझाएंगे, ठीक है? ओके सर।